हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू कर दिए हैं, सही है, और आप लोग को रेगुलरली लेक्चर मिल ही रहे होंगे, सही है। हम लोग ने हमारे ऑलरेडी तीन लेसन कंप्लीट किए हुए हैं और हमारा जो फोर्थ लेसन चल रहा है वो है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के भी 5 लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, नहीं देखा है तो जरूर से देखेंगे। बाकी के सारे सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएगी, वहां पे बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स सबकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, बायोलॉजी तो मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर, सही है, तो सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोगों को कंटिन्यू मिल रहे हैं, सही बात है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को जरूर से फोर्थ गियर पर रखो, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। 12th स्टैंडर्ड में सिलेबस काफी ज्यादा होता है, ठीक है, सो अभी ट्राई करो जितना ज्यादा से ज्यादा आप चीजें पढ़ पाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा अपना सिलेबस को कवर कर पाओ, समझ लो, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, सबमिशंस होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, दुनिया भर की चीजें होती है, फिर आपका वो प्री बोर्ड भी शुरू हो जाता है ना, प्रीलिम्स बोलते हैं उसको, वो भी शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वहां पर टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी कोशिश करो कि जितना आपका सिलेबस आप कवर कर पा रहे हो वो करो। ठीक है, सारे वीडियोस आप लोग को मिल ही रहे हैं, सो अपनी पढ़ाई को फोर्थ गियर पर रखना जैसे मैंने बोला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे पहला वाला लॉ समझाया था, ठीक है, जो हम लोग का था लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर वेपर प्रेशर लोवरिंग कह रहे थे उसे, जिसके अंदर हम लोगों ने एक बड़ा सा डेरिवेशन सॉल्व किया था, और उस डेरिवेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो डेरिवेशन एज इट इज आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सही है। तो उसी डेरिवेशन से रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आज हम लोग दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी कह सकते हैं, दोनों सही है, चलेगा। स्टार्ट करते बच्चों आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और बात आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे इस एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर से कर लीजिएगा, सही है, और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री में कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने डाउट्स रिलेटेड आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, अपने डाउट को अपने मन में ना रखें, क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, आपके बोर्ड में आ जाए, सही है, तो अपने डाउट को क्लियर जरूर से करवा लेना, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पूछते हैं मुझसे, चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के लेक्चर को। सबसे पहले बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे उस फॉर्मूले पे बेस्ड जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, तो इसका मतलब जो लास्ट वाला वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखा है उसको ये चीज अच्छे से नहीं समझ में आएगी, ठीक है, तो लास्ट वाला वीडियो देखना मैंडेटरी है, वैसे तो सारे लेक्चर वीडियो देखने मैंडेटरी है, पर अगर आपको ये लेक्चर पढ़ना है तो लास्ट वाला तो देखना ही पड़ेगा, सही है। मैंने क्या बताया था बच्चों, हम लोगों ने एक डेरिवेशन, एक न्यूमेरिकल बनाया था, क्या था, डेल्टा पी वन डिवाइड बाय पी वन नॉट इज इक्वल टू, क्या था हमारा, डब्ल्यू टू एम वन, ठीक है, मास अपॉन वेट, और यहां पे क्या था, एम टू डब्ल्यू वन, यही वैल्यू, यही चीज हम लोग ने सॉल्व की थी, सही है, यही चीज हम लोग ने सॉल्व की थी, हमारा एन टू अपॉन एन वन था ना, लेट मी चेक वंस अगेन, तो एन टू में क्या होगा, हमेशा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सही है, हाँ, डब्ल्यू टू ऊपर है, एम टू नीचे, बिल्कुल सही है। तो यही हमने क्या किया था लास्ट टाइम, डिराइव किया था ये वाली इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन से बेस्ड बहुत सारे आप लोग को न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, और भी बहुत सारे इक्वेशन जो थे उसके बेस पे भी आ सकते हैं। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, दैट पी वन नॉट माइनस पी वन डिवाइड बाय पी वन नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू टू एम वन डिवाइड बाय एम टू डब्ल्यू टू, सही है, तो ये सेम ही इक्वेशन है, हम इसे आज यूज करने वाले, यही दोनों सेम ही चीज है, मैंने आपको ये बताया था कि इसका वैल्यू उसके बराबर होता है, क्योंकि जो ज्यादा प्रेशर उसको हम लोग कम वेपर प्रेशर से माइनस कर देते हैं, ये, अरे ये क्या खुल गया, ध्यान देंगे सुनेंगे, मैं एक लाइन खींचना चाहता हूं यहाँ पे शेप्स में, ओके ओके, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे नया और आसान तरीका क्या है, नया नहीं पुराना तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बच्चों इसका गिवन डेटा, जो भी चीज हमें दी हुई है सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में से वो चीज हम लोग यहाँ पे अच्छे वर्ड में लिखेंगे, यहाँ पे घुमा घुमा के चीजें पूछी गई है, इसको हम लोग थोड़े सिंप्लीफाइड भाषा में लिखेंगे, फिर हम लोग ये जानेंगे कि फाइंड क्या करना है, उसके बाद हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ बच्चों, देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट दिया गया है, एंड 622 ग्राम ऑफ वॉटर,
तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमें दिया गया और दोनों का वेट दिया गया है। दोनों का क्या दिया गया है? वेट दिया गया है। अब याद करो, मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई थी पहले कि हमेशा जो वन नंबर है, एक नंबर है, वो आपको यूज करना है सॉल्वेंट के लिए और दो नंबर आपको यूज करना है सॉल्यूट के लिए। आप उल्टा भी कर सकते हो चलेगा, पर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग जा रहा हूं ताकि आप ज्यादा ये ना हो, मतलब समझ रहे हो ना, आप खिचपिच ना हो जाओ, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसलिए हम लोग एक नंबर सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे, दो नंबर सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे। सही है? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या दिया हुआ है? अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब W दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, और ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? W2। तो W2 का वैल्यू क्या है अपना? सबसे पहला 394 ग्राम, ठीक है? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 394 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद वाटर का भी वेट दिया हुआ है, कितना? W1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 622 ग्राम दिया हुआ है। सो W1 है मतलब वेट ऑफ योर सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या बोला बच्चों? द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 30.74 mmHg। इसका मतलब क्या है? आपका P1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है ना, P1 नॉट तो प्योर सॉल्वेंट का होता है ना, मैंने आपको बताया था ना, P1 जो नॉट होता है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। तो मतलब आपका P1 दिया हुआ है, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, कितना? 30.74 mmHg। सही है? और क्या दिया हुआ है? एट द प्रेशर 30 डिग्री नीचे, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अगर सॉल्वेंट का वाटर प्रेशर दिया हुआ है, दैट इज P1 नॉट कितना दिया हुआ है आपका? 31 mmHg। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द व्हाट इज द मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। हमें सॉल्यूट का मोलार मास फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। किसका मोलार मास फाइंड करना पड़ेगा? सॉल्यूट का मोलार मास फाइंड करना पड़ेगा, मतलब आपका m, सॉल्यूट मतलब क्या? दो, तो यानी आपका m2 आपको फाइंड करना है। यहां लिख देता हूं, टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? ये हमें फाइंड करता है। तो इतनी चीजें हमारे पास है ऑलरेडी, और ये चीजें हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो जो वैल्यू दी हुई है आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। पर आप एक चीज नोटिस करोगे, मोलार मास आपको सॉल्वेंट का तो दिया हुआ है, सॉरी सॉल्यूट का तो पूछा है, सॉल्यूट का यानी आपको m2 तो निकालना है, पर ये मोलार मास m1 भी नहीं दिया हुआ आपको, मतलब आपका सॉल्वेंट का यानी m1 का मोलार मास भी तो आपको नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये कैसे निकालते हैं? आपको मोलार मास निकालना पता है? आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, देखो आपका मोलार मास सॉल्वेंट का, नाउ व्हाट इज द सॉल्वेंट हियर, हियर द सॉल्वेंट इज वाटर। वाटर क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है। मोलार मास कैसे होता है? वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, सही है? व्हाट ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिला के, ये होते हैं आपके 16 एटॉमिक मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एंड इसका कितना होता है? 2, क्योंकि 2H है तो यहाँ पे 2 आ गया, तो मतलब टोटल कितना हो गया? 18, सही है? तो मतलब आपका M1 वाटर का यानी आपके सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? 18। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपको ये नहीं दिया जाएगा। अगर वाटर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में एज इट इज, तो आपको ये 18 वाला वैल्यू नहीं देंगे वो लोग, आपको ये वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा, जैसे बेंजीन होगा या कुछ अलग दिया होगा, तो उसका दिया हुआ होगा, लेकिन इसका आपको नहीं मिलेगा, समझ लो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मोलार मास है वाटर का वो कितना होता है? 18। कैसे फाइंड करेंगे? इसका एटॉमिक मास नंबर, इसका एटॉमिक मास नंबर, और इसके जितने भी एटॉमिक मास नंबर है उसको ऐड कर देंगे। तो 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 लिखा, इसका ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो गया टोटल इसका? 18, सही है? लिख दूं तो इसको मिटा दो पहले, इसको मिटा दो पहले, और यहां पे लिख देता हूं मेरे को M1 का वैल्यू कितना मिला, मेरे को M1 का वैल्यू मिला बच्चों 18, सही बात है। अब अपने पास सारी चीजें हैं, अपने पास P1 नॉट है, अपने पास P1 है, अपने पास P1 नॉट तो है, W2 है, M1 है, अपने को M2 फाइंड करना, और अपने पास W2 भी है, मतलब अपने पास सारी चीजें हैं सिवाय M2 छोड़ के। सॉल्व कर लो, इजी कैलकुलेशन है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आ जाओ। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इसका फॉर्मूला लिखो, क्या हो जाएगा?
P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू W2 M1 डिवाइड बाय W1 M2। सही बात है, ठीक है, पुट करो वैल्यू। सबसे पहला क्या है, P1 नॉट का वैल्यू कितना है, P1 नॉट का वैल्यू है बच्चों 31.8 और P1 का है 30.74। तो इसका आ जाएगा 31.8 माइनस 30.74, इसका वापस आ जाएगा 31.8। क्लियर है। फिर W2 का वैल्यू कितना है, यानी वेट ऑफ योर, कहाँ गया दूसरा वाला, वेट ऑफ योर सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूट 394 और इसका 262, इसका आ गया आपका 394। ये है ना, चेक करने दो, हाँ 394 है, सही है। इसका अभी हम लोग ने देखा 18 आता है, ये अपने को फाइंड करना है, दिस यू हैव टू फाइंड, ये है आपका 622 और आपका M2। सही है, तो सारी चीजें मैंने डाल दी है, बस आपको क्या करना है, फाइंड करना, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 1.06, इसका आ जाएगा 1.06, ठीक है 31.8। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसको काउंट करो, 394 × 18 डिवाइड बाय 622 × M2। सही है, अब इस फॉर्मूले को बस आपको M2 के लिए बनाना है, या फिर आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो 1.066। एक बार, एक मिनट, हाँ मैं सॉल्व करता हूँ, चलो भाई सॉल्व करते हैं। आपको फोन नहीं मिलेगा मुझे पता है, ठीक है, पर मेरे पास तो है प्रिविलेज। तो यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा 0.0333 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज, इसको डिवाइड करने के बाद ये करो 394 × 18 डिवाइड बाय 622, ओके, तो यू विल गेट समथिंग लाइक 11.4 डिवाइड बाय M2। सही है, अब कुछ नहीं करना, इसको बस आपको कोरिलेट करना है, इसको यहाँ डाल दो, M2 इज इक्वल टू 11.4 डिवाइड बाय 0.0333। सही है, क्या मिलेगा यहाँ से, 11.4 डिवाइड बाय 0.0333, तो यू विल गेट समथिंग लाइक 342, ठीक है, दिस इज 342। और क्या मिला है आपको, मोलार मास मिला है, क्या मिला है आपको, मोलार मास मिला है। सही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको इसमें यूनिट क्या लिखनी है। अब मोलार मास क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट की यूनिट होती है ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट होती है आपकी मोल, तो ग्राम बाय, समझ में आया, बहुत ही सिंपल था, क्या था देखो, बहुत ही सिंपल था, आपको सारी चीजें दी हुई है, सारी चीजें दी हुई है, बस आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ है वाटर का, जो कि आपको फाइंड करने आना चाहिए, ये हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। वाटर होता है H2O, तो O का एटॉमिक मास नंबर कितना होगा, 16, दो हाइड्रोजन है तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18। सही है, तो आपको मिल गया 18, वो बाकी सारी चीज़ आपको दी हुई है, आपके पास फॉर्मूला भी है, सिर्फ ये आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अपनी वैल्यू पुट करनी है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इसी तरीका का क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ गया है प्योर, सॉल्यूशन कभी भी प्योर नहीं होता, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सही है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कभी भी प्योर नहीं होता, कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर प्योर वर्ड आ जाए तो वो हमेशा सॉल्वेंट है, वो हमेशा क्या है, सॉल्वेंट है। और हमेशा आपको याद रखना है, सॉल्वेंट को आप एक नंबर देंगे और सॉल्यूट को आप दो नंबर देंगे। सही है, यहां पे क्या बोला है, गिवन डाटा लिखते हैं, सबसे पहले गिवन डाटा, कौन कौन सी चीज है हमारे पास, हमारे पास है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट क्या होता है, P1 नॉट, प्योर वाले का, नॉट वाले का कितना है, इट इज अबाउट 640 mmHg। और ये क्या है, ये बेंजीन है बच्चों, क्या है ये, बेंजीन। और बेंजीन का देखो मोलार मास यहाँ पे दिया हुआ है, वाटर था तो वाटर का मोलार मास नहीं दिया था, क्योंकि वाटर आपको फाइंड करने आना चाहिए, पर बेंजीन जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसका आपको दे देंगे। ठीक है, सो योर M1 इज गिवन एज 78 ग्राम पर मोल। सही बात है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है जिसका मास कितना है बच्चों, 2.315।
ठीक है, यानी आपका W2 यानी वेट आपका 2 कितना दिया हुआ है, 2.315 ग्राम, सही बात है, इज एडेड टू द 49 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब आपका W1 भी दिया हुआ है कितना, 49 ग्राम, सिंपल है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन यानी आपका P1 कितना दिया हुआ है, 600 mmHg, मतलब आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिली गई ना, बस आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलार मास, मतलब यू हैव टू फाइंड में क्या आ जाएगा, टू फाइंड योर M2, आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, M2, जो अभी हम लोग ने फाइंड किया सेम उसी तरीके से, तो सेम आपको वही करना है, फॉर्मूला है अपने पास, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू W2 M1 और W1 M2, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, सारी चीजें आपके पास हैं सिवाय M2 के, सारी चीजें आपके पास हैं सिवाय M2 के, तो आप सारी वैल्यू क्या करो, पुट करो और यहां से इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है, ये तो बच्चों को भी आ जाएगा, सही है, सॉल्व कर लोगे, तो ये वाला आप लोग अपने हिसाब से मतलब घर से खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है, एक मेरा सॉल्व करके दिखा, ये वाला आपको खुद से सॉल्व करना है, चलेगा। तो चलो बच्चों, दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए हमारे वेपर प्रेशर वाले के, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर वाले कर लिए, अब हम लोग हमारे दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, अवर नेक्स्ट और अवर सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं, बचपन से हम लोग एक चीज सुनते आ रहे हैं कि भैया अगर हम लोग किसी भी लिक्विड चीज को अगर हम लोग गर्म करेंगे, उसको हीट देंगे, तो वो वेपराइज होने लगती है, ठीक है, वो क्या होने लगती है, वेपराइज होने लगती है, और जब वो बॉइल हो रहा है, जब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, सही है, किसी भी चीज का एक बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, किसी भी चीज का एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सही बात है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिरकार ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। अब देखो, जो डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ी है वो डेफिनेशन तो हम लोग 12वीं स्टैंडर्ड में नहीं लिखने वाले, 12th स्टैंडर्ड में आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया ना भैया, अब हम थोड़ा सा बड़ा डेफिन थोड़ा अलग डेफिनेशन लिखेंगे, हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट में होता ये है, दैट द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ, किसका वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इफ यहां पे इफ लगा दो, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमोस्फियर, एटमोस्फियर बोल सकते हैं या फिर आप गैस बोल सकते हैं, क्या बोला मैंने समझा, मैंने बोला बच्चों कि अगर इफ इफ लिखा ना, अगर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द एटमोस्फियर, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब समझो, जैसे मान लो एक आपके पास है बीकर, देयर इज अ बीकर, और इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, देयर इज सम सॉल्वेंट, ठीक है, और इसके नीचे मैंने आग लगा दी, इसके नीचे मैंने क्या कर दिया, यहां से ऐसे बर्नर रख दिया, और ये क्या हो रहा है, यहां से जल रहा है। अब इस लिक्विड का कोई वेपर प्रेशर होगा, मैंने आपको सिखाया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब क्या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब क्या कि मान लो यहां से जो वेपर्स निकल रहे हैं, दूसरा कलर लेना चाहिए, जो यहां से बच्चों जो वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है, यहां से जो वेपर्स निकल रहे हैं, ये प्रेशर जब तक एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होते, तब तक एटमोस्फियर क्या करेगा, इस प्रेशर को पुश करेगा नीचे की तरफ, ठीक है, एटमोस्फियर क्या करेगा, इस प्रेशर को नीचे, इस वेपर्स को नीचे की तरफ पुश करेगा, सही है। तो मतलब ये जो वेपर्स होंगे, ये इसकी सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ये आपके जो वेपर्स है, जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होता, जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, इस वेपर प्रेशर को क्या करेगा, पुश करेगा वापस सॉल्यूशन के अंदर, सही है। तो मतलब आपका ये वेपर्स इस सॉल्यूशन के लेयर पे कुछ ना कुछ क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लेकिन जब एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका वेपर प्रेशर और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, आपका वेपर प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और कुछ टाइम बाद ये ज्यादा भी हो जाता है, एटमॉस्फेरिक से ज्यादा भी हो जाते हैं, सही है। तो उस टाइम बाद यहां पर क्या निकलने लगते हैं, वेपर्स यहां से बाहर निकलने लगते हैं, और आपका
जो लिक्विड है वो क्या होने लगता है, बॉइल होने लगता है। ठीक है, आपका लिक्विड क्या होने लगता है बच्चों, बॉइल होने लगता है। समझ में आई बात? ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? सो सिंपल सा मीनिंग है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ योर लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ योर एटमोस्फियर देन इट इज नोन एज योर बॉइलिंग पॉइंट। नाउ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आ जाओ इसको भी समझते, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, चलो इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले इस फंडे को समझते हैं कि आखिरकार एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। नाउ सपोज 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 करो ये एक बर्नर है एंड इस बर्नर के अंदर, बर्नर नहीं सॉरी माफ करिएगा, ये एक बीकर है, दिस इज अ बीकर। ठीक है, और इस बीकर के अंदर आपने एक वोलाटाइल सॉल्यूशन डाला है, वोलाटाइल सॉल्यूशन डाला है। ठीक है, आपने क्या डाला है, वोलाटाइल सॉल्यूशन डाला है, सही बात है। जैसे ही आपने वोलाटाइल सॉल्यूशन डाला और इसके नीचे से आपने लगा दी आग, आपने लगा दिया बर्नर, तो भैया देखो वोलाटाइल सॉल्यूशन तो वैसे ही उड़ते थे और आपने और बर्नर लगा दिया इसको बॉइल करने के लिए, तो ये फटाफट क्या होने लगेंगे, इवापोरेट होने लगेंगे और यहां से क्या निकलने लगेगा, वेपर निकलने लगेगा, मतलब ये बॉइल होने लगेंगे फटाक से क्या होने लगेंगे, बॉइल होने लगेंगे। तो दिस इज द सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं है भैया, प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज नॉट सॉल्यूशन, आई एम सो सॉरी, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन, इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल नहीं है ना। अब सेम वैसा ही एक और मैंने बीकर लिया, सिमिलर ही एक और मैंने बच्चों क्या लिया यहाँ पे, बीकर लिया, सही है, एक और मैंने क्या लिया यहाँ पे, बीकर लिया, और इस बीकर के अंदर भी सेम वही वोलाटाइल मैंने सॉल्यूशन डाल दिया, सेम मैंने क्या डाल दिया बच्चों, इसका भी एक वोलाटाइल सॉल्यूशन डाल दिया इसके अंदर भी, पर इस बार मैंने एक चेंज किया, वोलाटाइल सॉल्यूशन के साथ साथ मैंने इसके अंदर कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी डाले हैं। ये जो ब्लू कलर में है, जो ब्लू कलर में है बच्चों, ये वाला, ये ब्लू कलर वाला है आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट, सही है, ये है आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट। पर ये जो येलो कलर के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, दीज पार्टिकल्स आर द नॉन वोलाटाइल, वोला टी आई एल ई, सही है क्या स्पेलिंग, हाँ सही है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, दिस इज द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलते हैं, जब ये दोनों बच्चों, जब आए, जब ये दोनों बच्चों मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं आपका, सॉल्यूशन बना देते हैं। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज प्योर सॉल्वेंट, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूशन है। अब जब मैंने इसको गर्म किया, सपोज दैट, अब मैंने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया, ठीक है, तो जब आप इसको गर्म करोगे तो इसका भी कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, पर ये जल्दी बॉइल होगा एज कंपेयर टू दिस, ये बॉइल होने में समय लगाएगा, क्यों, ये प्योर सॉल्वेंट था, जितना सॉल्वेंट था सेम ही थे, आराम से ये ऊपर बॉइल हो जा रहे थे, पर इसके अंदर बच्चों नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट है। अब नॉन वोलाटाइल के नखरे क्या होते हैं ना, कि नहीं मैं भैया मैं बाहर वेपर नहीं बनना चाहता, मैं नहीं बनूंगा वेपर, मैं नहीं बनूंगा, समझ रहे, तो ये नॉन वोलाटाइल है, ये जल्दी यहां से बाहर ही नहीं जाना चाहता, तो अगर ये बहुत लेट बाहर जाएगा, ज्यादा हीट देने पे बाहर जाएगा, तो मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सही है। तो मतलब आपने जब सॉल्यूट से, जब आपने सॉल्वेंट से, सॉरी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाया, जब आपने सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाया, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था, ये आराम से वेपराइज हो जाता था, पर इस नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट के सॉल्यूट की वजह से, आई एम सो सॉरी, इस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की वजह से ये जल्दी वेपराइज नहीं हुआ, कुछ समय बाद हुआ, इसके मान लो 3-4 डिग्री बाद हुआ, तो अगर भैया 3-4 डिग्री भी बाद हो रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो मतलब अगर आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाया, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, ये आपका प्योर है, याद है, मान लो इसका कोई टेम्परेचर होगा, ठीक है, जितने टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है, तो इसको हम लोग दिखाएंगे बच्चों टीबी से। टीबी मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर।
बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। लास्ट टाइम देखो हम लोग पी वन पी टू कर रहे थे, यहां पे नहीं करेंगे, ये हम लोग टीबी दिखा रहे हैं। टीबी मतलब क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, और ये क्या है प्योर सॉल्वेंट का है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे इसके ऊपर, नॉट लगाएंगे, याद है ना। लास्ट टाइम भी हम लोग ने जो प्रेशर देखा था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वाले में, उसके ऊपर हम लोग ने नॉट लगा दिया था, सही है। और ये क्या है आपका, सोल्यूशन है, सही है। सो इट इज ऑल्सो टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, पर ये नॉर्मल आपका टीबी है, इसके ऊपर हम लोग कुछ वन टू नहीं लगाएंगे बिकॉज इट इज अ सोल्यूशन, सही है। तो हमको क्या देखने के लिए मिला, हमने क्या समझा कि आपका जो टीबी नॉट है ये छोटा है एज कंपेयर टू टीबी। लास्ट वाले केस में डायरेक्ट उल्टा था, लास्ट वाले केस में क्या था कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता था इसके कंपैरिजन में, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता था बिकॉज ऑफ द सर्फेस एरिया, पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा अगर आपने सॉल्यूट मॉलिक्यूल को क्या किया है, एड किया है, समझ लो, आपने अगर ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल को ऐड किया है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीज, कोई भी चीज अगर बढ़ रही है, अगर आप एलिवेट हो रहे हो, एलिवेटर होता है ना स्टेशन पे होता है एलिवेटर, तो मतलब उसके अंदर आप क्या जा रहे हो, बढ़ रहे हो ना, ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, तो वैसे ही यहां पर भी क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ लो, जब आप उसे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाओगे, बात समझ में। अब इसका एक छोटा सा एक और चीज दिया हुआ है कि अगर मैं वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करूं, अगर मैं वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूं, तो वेपर प्रेशर में क्या था आपका, पी वन नॉट क्या था, सॉल्वेंट के लिए था, और आपका पी वन किसके लिए था, सॉल्यूशन के लिए था प्रेशर, और उस केस में इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती थी, उस केस में इसकी वैल्यू बच्चों हमेशा ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू दिस। बट इन नाउ, नाउ टीबी नॉट छोटा हो गया है एज कंपेयर टू आपका टीबी, समझ लो, तो मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, बढ़ गया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, बात समझ में आई, ठीक है। एक ग्राफ भी है आपकी बुक में, एक ग्राफ दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहां पे देखो, इन्हीं दोनों के कोरिलेशन में ग्राफ है, एक आपका प्रेशर और एक आपका बॉइलिंग पॉइंट, कैसा ग्राफ है देखो, यह है आपका वाई एक्सिस, यह है आपका एक्स एक्सिस, सही है, ठीक है। वाई एक्सिस पे मैंने दिखाया है वेपर प्रेशर, और यहां पे मैंने दिखाया बच्चों टेम्परेचर, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, दिस एंड दिस, समझ, कुछ इस तरीके से क्या बनता है इसका ग्राफ आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपका ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, ध्यान से देखो, इसमें जो ऊपर वाला ग्राफ है, इसमें ये है आपका सॉल्वेंट का और ये है आपका सॉल्यूशन का, सही है ना, ये है आपका सॉल्वेंट का, ये है आपका सॉल्यूशन का, कैसे देखो, इसको मैं साइड में लिखता हूं तो यहीं पे खिचपिच हो जाएगा इसी के अंदर, तो हाँ ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट है बच्चों आपके सॉल्वेंट का, एंड ये वाला पॉइंट है आपके सॉल्यूशन का, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसके अंदर ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो इस पॉइंट पे बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, तो यहां पे प्रेशर दोनों का सेम है, वे प्रेशर दोनों का सेम है, पर टेम्परेचर देखो कितना अलग है। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर यहां पे है, सेम वेपर प्रेशर पे, टेम्परेचर इसका अगर यहां पे है, तो आपके सॉल्वेंट का टेम्परेचर कितना होगा, यहां पे होगा, समझ लो, दिस इज, अगर सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है इसे मैं क्या कहूंगा, टीबी, और सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है इसे मैं क्या कहूंगा, टीबी नॉट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, टीबी नॉट, दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूट, समझ में आई बात, सिंपल है एकदम। तो ये आपका टीबी नॉट और ये आपका टीबी। प्रेशर देखो, वेपर प्रेशर, इनिशियल स्टार्ट में जो आपका सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर क्या था, ज्यादा था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, कम होता है, समझ रहे हो। तो ये इक्वेशन भी आपकी सर्टिफाइड हो गई। और अगर आप टेम्परेचर की बात करो, तो टेम्परेचर में भी आप देख लो, आपका जो सॉल्यूशन है इसका टेम्परेचर ज्यादा है, देखो ये टेम्परेचर का स्केल है, ऐसे जैसे टेम्परेचर स्केल है, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर सॉल्यूशन का ज्यादा और सॉल्वेंट का क्या है, कम, सही बात है। तो मतलब, और इसका ये जो बीच वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इतना, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा टीबी, समझ लो, डेल्टा टीबी मतलब डिफरेंस इन द टेम्परेचर, समझ में आई बात। तो यहां से बच्चों एक इक्वेशन बन सकती है, यहां से आप लिख सकते हो, यहीं पे लिख दूं, यहां से आप लिख सकते हो बच्चों, दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी
डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टीबी नॉट, समझ रहे हो। तो यहां से बच्चों आपकी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आती है, दैट इज डेल्टा टीबी यानी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा लिख सकते हो आप, वेयर डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सही है। टीबी क्या है आपका, इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड टीबी नॉट क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें और बतानी मेरे को, समझ में आ गया, ठीक है आगे चलो। नाउ एक और कंसेप्ट है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स से, नंबर ऑफ मोल्स से एक और कंसेप्ट आपका निकल के आता है। आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक ये कह रही है कि आपका जो डेल्टा टीबी होता है यानी आपका चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। व्हाट इज स्मॉल एम, स्मॉल एम इज मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। स्मॉल एम क्या होता है आपका, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है पढ़ा होगा आप लोगों ने, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते, डिवाइड बाय क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये वेट किस में होता है, इन केजी, सही है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ना मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, आपके सॉल्वेंट का वेट इन केजी, हमेशा ये किसके अंदर होगा बच्चों, केजी के अंदर, सही है। तो ये आपकी मोलैलिटी से, आपका जो टीबी है वो मोलैलिटी से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो यहां पे टीबी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू सम केबी, केबी क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट है, बीच में मैंने कांस्टेंट लगा दिया और यहां पे एम आ गया, ठीक है, ये आपका नॉर्मल कांस्टेंट था, यहां पे आ गया आपका एम, सही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसका एक और नाम है यार, नाम मेरे को भी नहीं याद हो रहा है, दैट नेम इज इबुलियोस्कोपिक, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, लिख लो भैया, क्या पता पूछ ले, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एक बार पढ़ लिया ना मैंने, अब याद हो जाएगा मेरे को, ठीक है। ये भी बोल सकते हो आप इसे, इसे पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, चलेगा, सही है, दिस इज द कांस्टेंट। अगर मैं इस कांस्टेंट की यूनिट बताऊं तो इसका यूनिट कितना क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू तो क्या, कैसे वैल्यू हम लोग बनाएंगे, के बी इधर आ जाएगा, तो मतलब डेल्टा टीबी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, एम, डेल्टा टीबी डिवाइड बाय एम, डेल्टा टी मतलब क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, केल्विन में हम लोग लेते हैं ना ऐसा यूनिट, सही है। और मोलैलिटी की यूनिट क्या है, अभी मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, यहां पे आ गए आपके इसकी मोल, और वेट इन केजी, केजी मतलब आपका यहां पे आ गया केजी, सही है। तो आपके इसकी यूनिट क्या हो गई, इसका यूनिट हो गया बच्चों केल्विन, मोल इनवर्स और केजी इनवर्स, सही है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल बाय मोल पर, सॉरी केल्विन पर मोल पर केजी, दिस इज द एक्चुअल यूनिट ऑफ योर, एक्चुअल यूनिट ऑफ योर केबी, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा शायद, एक मिनट, ये नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा, हाँ सॉरी बच्चों, गलती हो गई, क्या गलती थी,
आपका जो केजी है ये ऊपर जाएगा ना, ये देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो ये कैसा हो जाएगा के केजी पर मोल, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप के केजी मोल इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ केबी। आर वी क्लियर्ड? ठीक है, तो आई होप बच्चों इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं आपको। आई होप आप लोगों को बच्चों ये सारी चीजें समझ गई होंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लिया इसका, लिया हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया तो ठीक है चलेगा। सो देखो बच्चों, हम लोगों ने इस वाले लेक्चर में हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हमने खत्म किया है। आई होप बच्चों ये लेक्चर आप लोगों के लिए अच्छा रहा हो। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आई हो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ कृपया इस वीडियो को जरूर से शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल के फ्रेंड हैं, आपके क्लासेस के फ्रेंड हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से अलग दूसरी वीडियो में, इसके बाद वाले लेक्चर में, जहां पर हम लोग डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, इसका अगला वाला टॉपिक। ठीक है, सो अपने हेल्थ का ध्यान रखो, पढ़ते रहो एंड कीप स्टडी। ठीक है, मिलते हैं, चलो बाय बाय।